गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आर्ट एंड कल्चर की जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग जाने कि आर्ट एंड कल्चर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको आइडिया ये होना चाहिए कि किस किस एरिया को आप आर्ट एंड कल्चर के दौरान प्रिपरेशन करें। तो देखिए आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे कि 9 टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पहला टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो क्वेश्चन आते हैं, जो पहला टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। दूसरा एरिया जहां से क्वेश्चन लोग पूछते हैं, बुक्स एंड ऑथर, किसने कौन से बुक लिखे है। तीसरा टॉपिक है पीपल एंड लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कि स्तूप्स एंड बिहारा एंड मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से स्तूप्स, ब्यास और मोनेस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 7 में पेंटिंग इन हिमाचल प्रदेश, पेंटिंग से क्वेश्चन आते हैं। फिर क्वेश्चन टॉपिक नंबर 8 फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश। 9 डांसेस एंड फॉल्क सॉन्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आप देखिए कि ये 9 टॉपिक का अगर अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कोई भी आर्ट एंड कल्चर से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप एक तरह से इजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यही 9 टॉपिक्स पर आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले पेपर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे इनका आप बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग, ये आपको पता लग गया कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब कि इस एरिया को चूज करिए, किस एरिया से मैक्सिमम क्वेश्चन लोग रिपीट करते हैं और इसी एरिया का प्रिपरेशन करना है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी पेपर देने जा रहे हो तो इसी सेक्शन से सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आइए हम लोग एक एक करके सारे इन 9 टॉपिक्स पर क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द तांकरी स्क्रिप्ट। तो क्वेश्चन कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दिया हुआ है तांकरी स्क्रिप्ट के बारे में। तो तांकरी स्क्रिप्ट के बारे में पहला दिया हुआ है द स्क्रिप्ट ऑफ पहाड़ी लैंग्वेज इज तांकरी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स इन दिस ग्रुप्स इंक्लूड द जौनसरी, महासेवी, सिरमौरी, कुलवी एंड चंबेली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवेन अबव इज आर करेक्ट। तो कहते हैं कि ये दो आपके दिए हुए फैक्ट्स पूछ रहा है, इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन राइट वन है, वन सही है कि टू सही है कि बोथ वन एंड टू सही है कि नाइदर वन और नॉर ए टू। तो बताइए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, जो लोग कि विच और इसमें से कौन सा आंसर ये सही होगा, बी सी डी। कोई गिव मी द राइट वन आंसर एनीबॉडी, विच वन इज ए करेक्ट वन, इसमें से कौन सही है। तो तांकरी स्क्रिप्ट के बारे में पूछ रहा है कि द स्क्रिप्ट ऑफ पहाड़ी लैंग्वेज इज तांकरी। दूसरा बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स इन दिस ग्रुप्स इंक्लूड द जौनसेरी, महासेवी, सिरमौरी, कुलवी एंड चंबियाली। राकेश कौशिक वेरी गुड मॉर्निंग, संदीप वेरी गुड मॉर्निंग। तो राकेश कौशिक ने इसका आंसर सी बताया, और यही बड़ी ट्राई, और भी कोई बताएंगे इसका आंसर राइट क्या है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गिव मी द आंसर्स। आप देखिए आपके बोर्ड पर जो है क्वेश्चंस का आंसर्स बताइए, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। दीपक गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग।
तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपको रिवीजन कराएंगे आज आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। दीपक दिमानसी, अच्छे बहुत लोग का आंसर सी आ रहा है, तो एग्जैक्टली सी इज द करेक्ट आंसर, गुड ट्राई, इसका मतलब आप लोग का बहुत अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है, गुड मॉर्निंग मोहित। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि सबने बहुत ने लोगों ने एकदम, इसका मतलब आप लोग का बहुत राइट प्रिपरेशन चल रहा है और राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहा है। पर आप देखें ये तांगरी स्क्रिप्ट के बारे में मैंने एक फिगर यहां डाला है कि इससे थोड़ा आपका अवेयरनेस और भी अच्छा होगा। तांगरी स्क्रिप्ट के बारे में क्या है कि हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न पहाड़ी में लिखा जाता है। तो पहले हिमाचल प्रदेश के जो एंशियंट लोग थे, जो खासकर आप देखेंगे बिजनेस कम्युनिटी जैसे महाजन लोग, बनियस लोग, वो सारे अपने डिटेल्स इसी स्क्रिप्ट में रखते थे। बाकी इस टाइम के समय क्या हुआ कि अब तांकरी स्क्रिप्ट चेंज होकर अब देवनागरी स्क्रिप्ट की तरफ लोग शिफ्ट हो गए। तो अब पहाड़ी लैंग्वेज जो एक तरह से वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेज अब देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। तो एकदम राइट है, क्वेश्चन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर, बहुत लोग का गुड आंसर सी है, वेरी गुड। तो ये हमने पहला क्वेश्चन आज डिस्कशन किया, आप बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दिखे। अब क्वेश्चन नंबर टू आइए और टू का आंसर सारे लोग बताइए। कह रहा है कि कंसीडर द फ्लाइंग पेयर्स, पहला ये चार डेलीकेट्स दिए हुए, आपको पता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 30 डेलीकेट्स बोले जाते हैं और एक भाषा पर हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। कहते हैं कि ये चार लैंग्वेज दिए हुए कि इनके सही पेयर्स में मैचिंग है कि नहीं। कहते हैं कि धराती लैंग्वेज स्पोकन इन सिरमौर, जंग्याम लैंग्वेज इज स्पोकन इन किन्नौर, बगाती इज स्पोकन इन सोलन, बरारी लैंग्वेज इज स्पोकन इन जुब्बल। कहते हाउ मेनी पेयर आर करेक्टली मैच, क्वेश्चन एक सही है कि दो सही है कि तीन सही है कि चारों का चारों सही है, विच वन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड मॉर्निंग सनी, फाइंड आउट द तो कॉन्सिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कौन से पेयर्स में सही है। बहुतों का आंसर आया सी, बहुतों का आंसर राकेश कौशिक थ्री, राकेश कौशिक थ्री, गिव मी द राइट आंसर्स। बहुत लोग का आंसर थ्री आ रहा है, और भी लोग ट्राई कीजिए। तो धराती लैंग्वेज सिरमौर में, जंगिम लैंग्वेज किन्नौर में, बगाती लैंग्वेज स्पोकन इन सोलन में, बरारी लैंग्वेज जुब्बल में। तो बहुत लोगों का आंसर्स क्या आ रहे हैं, सब लोग सी सी बता रहे हैं, और एनीबॉडी ट्राई, और लोग ट्राई कीजिए। तो देखिए इसका एग्जैक्टली आंसर होगी चारों के साथ, बहुत लोगों ने मिस्टेक कर दिया, इसका करेक्ट आंसर होगा फोर, चारों सही है। धराती लैंग्वेज सिरबौर में बोली जाती है, जंगम लैंग्वेज किन्नौर में बोली जाती है, जंगम विलेज में, बगाती लैंग्वेज सोलन में, और बरारी लैंग्वेज जुब्बल में बोली जाती है। तो चारों ऑप्शन सही है। सुदेश कुमार, अब सुदेश कुमार का राइट आंसर आया, चारों का चारों सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कैसे, अब इससे रिलेटेड एक लैंग्वेज पर हर साल लोग क्वेश्चन पूछते हैं, डेलीगेट्स कहां कहां पर स्पोकन किया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स रिविजन कराते हैं। आप देखिए यार, अब सिरमौर में जो बोली जाती है उसको धराती लैंग्वेज कहते हैं, तो रिविजन कर लीजिए आप, धराती कहते हैं। किन्नौरी लैंग्वेज को होम सेक्रेट्स भी कहते हैं। सैंगनूर लैंग्वेज बोली जाती है पूर तहसील किन्नौर में, जंगिम डेलीगेट स्पोकन जंगिम विलेज किन्नौर में, और लीपा और असरांग और मोरंग तहसील में भी स्पोकन बोले जाते हैं। पूछे इंदौरी लैंग्वेज कहां बोली जाती है, रिविजन कर लीजिए सारे लोग, नालागढ़ में। कोची कहां बोली जाती है, शिमला रामपुर, बरारी जुब्बल में, गहरी स्पोकन इन केलोंग में, और भूटी इज द टॉट इन द मोनेस्ट्री ऑफ लामास,
तो भूटी लाहौल स्पीति बोली जाती है और लामा लोग की जो पढ़ाई होती है वो भूटी लैंग्वेज भी होती है। तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड हमने रिविजन भी कर लिया और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, जिससे और भी आपको थोड़ा नॉलेज अच्छा ब्रॉड होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर थ्री हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, कहता है विद द रेफरेंस टू द खसा स्टाइल, कहता है विद द रेफरेंस टू द खसा स्टाइल, टू खसा स्टाइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब खास स्टाइल एक तरह से मंदिर का टेंपल है, आर्किटेक्चर है। अब इसके बारे में तीन फैक्ट्स दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है खसा स्टाइल टेंपुरा इज वली बिल्ट ऑफ वुड बाय कार्विंग द फिगर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर टू कहता है देदार वुड इज यूज टू डिपिसिट दिस आर्ट। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडो आर्यन एंड तिब्बतियन, और विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। वन और टू सही है कि टू सही है कि वन एंड थ्री सही है कि थ्री वनली, लेट्स ट्राई करके बताइए। इसमें से कौन सही है? खसा स्टाइल टेंपुरा इज वली बिल्ट ऑफ वुड बाय ए कार्विंग फिगर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। देदार वुड इज यूज टू डिपिसिट दिस आर्ट। इट इज अ मिक्सचर्स ऑफ इंडो आर्यन तिब्बतियन। ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है? एनीबडी गिव आंसर्स? अच्छा, एक आया कि वन एंड टू सही है। और एनीबडी? राकेश कौशिक का आंसर आया सी सही है। और एनीबडी? सुदेश कुमार का सी आंसर आया वन एंड थ्री। और भी एनीबडी ट्राई? चलिए हम इसको बताते हैं। इसमें क्रिप्टोडिक्स का जो आंसर आया वो राइट है, ए इज द करेक्ट आंसर वन एंड टू। ये मिक्सचर्स ऑफ इंडो आर्यन तिब्बतियन नहीं है, इंडो आर्यन तिब्बतियन मिक्सचर्स नहीं। तो खसा स्टाइल्स क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करें। खसा स्टाइल क्या है? तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए खसा स्टाइल्स कहते हैं कि खसा स्टाइल जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट स्टाइल है, ओल्डेस्ट स्टाइल्स। और खसा स्टाइल्स में आपको पता है कि दो चीज यूज होते हैं, वुड एंड स्टोन। बाकी हिमाचल प्रदेश में ये ज्यादा यूज हुआ है लकड़ी, क्योंकि देदार के पेड़ वहां पर बहुत एबिलिटी थी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिर्कुला देवी टेंपल ऑफ उदयपुर, आप मैप पर भी देख सकते। तो पूछेगा बार क्वेश्चन भी आते हैं कि जो मिर्कुला देवी मंदिर है वो किस मटेरियल से बना, वुड से, लकड़ी से। और खसा स्टाइल हिमाचल प्रदेश का सबसे एंशियंट स्टाइल है, और इसमें बेसिक मटेरियल जो हिमाचल प्रदेश में यूज हुआ था वो लकड़ी ही था। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप मिर्कुला देवी टेम्पल उदयपुर। तो ये हमारा खसा स्टाइल के बारे में डिस्कस किया और क्वेश्चन में डिस्कस किया, इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी आपका क्लियर हो गया कि खसा स्टाइल का मतलब होता है जिसमें लकड़ी यूज हो। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मिर्कुला देवी टेम्पल उदयपुर इन हिमाचल प्रदेश। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर फोर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द की मोनेस्ट्री इज नॉट करेक्ट। अब आपको पता है कि सबसे पहले समझना है कि ये जो चार आपके फैक्ट दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसमें से की मोनेस्ट्री के बारे में कौन सा सही नहीं है।
द की इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन स्पीति. द मोनेस्ट्री वॉज प्रोबली बिल्ट ईयरली इन द 11th सेंचुरी. इट और एनीबडी और कोई एनी करेक्ट आंसर. तो एकदम सही बताया हिमांशु ने कि इसका आंसर एग्जैक्टली सी सही नहीं. इट इज कॉल्ड अजंता ऑफ द हिमालय ताबो मोनेस्ट्री को कहते. बाकी सारे फैक्ट सही. ये सी सही नहीं. तो इसका आंसर क्या होगा? कहता विच आर नॉट करेक्ट. सी इज नॉट करेक्ट. तो की मोनेस्ट्री के बारे में ये फैक्ट्स है. और भी आप इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दे सकते हैं. अब आइए आपको कुछ रिवीजन करा दें मोनेस्ट्री के बारे में. तो पहले समझिए कि मोनेस्ट्री, पहले तीन चीज आपको समझना है कि मोनेस्ट्री क्या होते हैं. पहले हम डिटेल में स्टडी करें इसके बारे में. पहले समझना है कि मोनेस्ट्री क्या होते. आपने पढ़ा होगा मोनेस्ट्री क्या होते हैं, विहारास क्या होते हैं और स्तूप्स क्या होते हैं. मोनेस्ट्री का मतलब कि जहां पर स्टडी किया जाता है, प्रेयर किया जाता है, वो इलाका मोनेस्ट्री कहलाता है. बिहारा का मतलब होता है कि जहां पर मॉन्क लोग रेसिडेंस करते रहते हैं. स्तूप जहां मॉन्क लोग वर्शिप करते हैं. ये तीन कॉन्सेप्ट समझते हैं. और हिमाचल में बहुत से मोनेस्ट्री है. खासकर आपको पता है कि दो स्टिक लाहौल स्पीति और किन्नौर में मैक्सिमम मोनेस्ट्री है. जैसे की मोनेस्ट्री आपको बताया, की मोनेस्ट्री के ऊपर भी क्वेश्चन डाला हुआ था कि इसमें से कौन सा सही नहीं. तो की मोनेस्ट्री आपको बताया कि स्पीति में है और लामा लोग क्यों फेमस है. तो यहां पर लामा लोग गाना गाते हैं और पाइप्स एंड हॉर्न्स पर डांस भी करते हैं. ताबो मोनेस्ट्री, इसी को अजंता ऑफ द हिमालय कहते हैं जो मिट्टी से बना है, मेड ऑफ मड. पूछे किससे बना है, क्वेश्चन आ चुका है कि जो ताबो मोनेस्ट्री, किस मोनेस्ट्री को अजंता हिमालय कहते हैं. तो ताबो मोनेस्ट्री को बोला, इसके कंस्ट्रक्शन में कौन से मटेरियल यूज किया गया है, मड मिट्टी. फिर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पदम सामव ने कौन सी मोनेस्ट्री का फाउंडेशन रखा था. द आंसर इज गुरु घंटाल. फिर दो बौद्धिस्ट स्तूप भी मिले कांगड़ा से, चारी और चितेरू. ये भी एग्जाम्पल के. फिर मेरी बोम्पा कहां पर है, सोलन में, कालाघाट सोलन में है. और गैमूर मोनेस्ट्री कहां पर है, लाहौल में है. और कदरांग मोनेस्ट्री जो एक तरह से यहां पर बौद्धिस्ट टेक्स्ट है, कौन से बौद्धिस्ट है, कैंगूर और तैंजूर. तो ये मोनेस्ट्री के बारे में भी साथ साथ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मोनेस्ट्री से हर साल एक क्वेश्चन आते हैं हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर्स में. तो आपने की मोनेस्ट्री के बारे में जाएगा कि जहां पर मैक्सिमम लामा लोग डांस करते हैं पाइप हॉर्न पर. ताबो मोनेस्ट्री जिसका बनाने में जो मटेरियल यूज किया गया है वो मड है और इसको अजंता ऑफ हिमालय कहते हैं. गुरु घंटाल मोनेस्ट्री लाहौल में है क्योंकि यहां पर 84 बौद्धिस्ट स्टैचू है. और स्तूप कहां से मिले हैं, कांगड़ा के दो प्लेस से. और मेरी बोम्पा कहां पर है, कालाघाट सोलम में. और किस मोनेस्ट्री से बौद्धिस्ट टेक्स्ट मैंने बौद्धिस्ट पवित्र ग्रंथ मिले, उसका नाम है करदांग. तो ये डिस्कस था यह मोनेस्ट्री के बारे में. आप दे सकते हैं यही ताबो मोनेस्ट्री है जिसको अजंता ऑफ हिमालय कहते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. कहते हैं कि मैच द करेक्ट आंसर, इसमें से कौन चारों में से सही है. अब ये क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर पर ये क्वेश्चन है. कहता है कि इनमें चारों में से कौन सही है. कुलूत देश की कहानी किसने लिखा है, हिमालयन सर्किट, हिमाचल प्रदेश एरिया लैंग्वेज वाई एस परमार एंड हिमालयन अबोर्ड ऑफ लाइफ. खुद बताइए कि ए सही है कि बी सही है कि डी सही, किसमें से कौन सा सही नहीं. जरा क्वेश्चन सही है, मैच द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इसमें से विच इज थोड़ा सा नॉट करेक्ट आंसर. जब करेक्शन कर लीजिए, नॉट करेक्ट आंसर, थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया. मैच द सेलेक्ट द नॉट द करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है.
किसी ने बताया ए। क्वेश्चन फिर से देखिए, मैच द सेलेक्ट द नॉट करेक्ट आंसर्स, इसमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट आंसर्स। राजकुमार सी बता रहे हैं, नॉट द करेक्ट आंसर्स। बहुत सी बता रहे लोग। और एनीबॉडी, सबीता डोगरा वेरी गुड मॉर्निंग सी बता रहे, राकेश कौशिक सी बता रहे, मधुबाला डी बता रहे। तो मधुबाला का राइट आंसर है डी, हिमालयन अबोड ऑफ लाइफ नोरा रिचर्ड ने नहीं लिखे। बाकी कुलूत देश की कहानी लालचंद पार्टी ने सही राइट है, हिमालयन सर्किट जेडी खोसला, हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज वाई एस परमार की किताब है, हिमालयन अबोड ऑफ लाइट नोरा रिचर्ड ने नहीं लिखे। तो मधुबाला का एकदम राइट आंसर है। और वाई एस परमार ने बहुत सी किताब लिखे हैं, एक पॉलेंडर इन द हिमालय भी है। आइए इससे रिलेटेड कुछ हम लोग बुक भी डिस्कशन करते हैं। अबोड ऑफ लाइफ, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, अब सारे बुक का लिस्ट ही आपको दिखाते हैं। अब देखिए, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो 10 इयर्स पेपर में बुक के ऊपर पूछे, मैं आपको रिवीजन कराता हूं पॉइंट्स के रूप में। अब देखिए, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट लिखा है एडवर्ड जे बक ने, हिस्ट्री ऑफ मॉन्डी स्टेट मनमोहन सिंह ने, रिविजन कीजिए आप लोग। पॉलेंडर इन द हिमालय डॉक्टर वाई एस परमार, हिमांशु ने बताया, देखिए इसका आंसर वाई एस परमार, और वो भी लिखा हिमाचल सेफ एंड लैंग्वेज। कांगड़ा पेंटिंग एम एस रांधवा, बिलासपुर पास्ट एंड फ्यूचर आनंद चंद, वहां के राजा ने लिखे। अबॉर्ड ऑफ गॉड एंड्रयू विल्सन्स ने लिखे, और हिमालय अबॉर्ड ऑफ लाइट निकोलस रोरिच, और कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड्स ने लिखे। हिमाचल भूत वर्तमान और भविष्य देवराज शर्मा ने बुके लिखे। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट किसने लिखा है, जे हटिसन ने लिखे। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखे हैं। तारीख है रियासत सिरमौर, कन्वर रंजोर सिंह ने लिखे हैं। हिमालयन सर्किट जेडी खोसना ने लिखे हैं। किन्नर देश राहुल सकिया, ये सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और ये सारे बुक लास्ट एडियस में पूछ लिए, मैंने आपको बोर्ड पर रिविजन भी करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब शिवानी शर्मा पूछी, कितने बजे सर होते हैं आपकी क्लास? हर दिन हमारे से आप 9:30 हमारी क्लास स्टार्ट होती है एएम, और इग्नी में 7 PM सिर्फ हिमाचल प्रदेश चलता है हमारा, सिर्फ हिमाचल प्रदेश के मॉर्निंग में हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, और हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए टॉपिक, और क्वेश्चन जो होता है आपको पता है कि मंडे को ज्योग्राफी, ट्यूजडे को हम लोग टॉपिक लेते हैं हिस्ट्री, वेडनेसडे को पॉलिटी, आज हमने आर्ट एंड कल्चर लिया है, कल हम लोग पर्सन एंड पर्सनैलिटी पर डिस्कशन करेंगे, और लास्ट दिन सैटरडे को डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको रिवीजन करा दिया। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 6 आइए, और हमें करेक्ट आंसर दीजिए। जो लोग जुड़े हैं वेरी गुड मॉर्निंग। कहते कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर इन हिमाचल प्रदेश, टेम्पल आर्किटेक्चर इन हिमाचल प्रदेश। पहला स्टेटमेंट है कि द मोनोलिथिक टेम्पल्स एट मसरूर आर द अर्लीस्ट स्पेसिमेंस ऑफ नागरा डिजाइन, नागरा डिजाइन। द बैजनाथ टेम्पल वाज डिडक्टेड टू शिवा, इट वाज गिव मी द करेक्ट आंसर। मधुबालापुर इवनिंग का क्लास आपका हर दिन होता है कंटिन्यू, मंडे टू सैटरडे आप लेक्चर्स दे सकते हैं, जो आपका छोटा है उनको जल्दी जल्दी देख लीजिए कि आगे का लेक्चर आपको अच्छा समझ में आएगा। राजकुमार का आंसर है कि सारे के सारे सही हैं। और एनीबॉडी, सुनीत कनेर का भी आंसर है कि सारे के ऑल इज करेक्ट।
गगन शर्मा का भी आंसर ऑल इज करेक्ट, हिमांशु का भी आंसर है डी, सिक्स का डी, संदीप ठाकुर का भी आंसर है कि सारे सर करेक्ट है, राकेश कौशिक का भी आंसर है डी। मैंने आप लोगों की प्रिपरेशन इसका मतलब कि बहुत ही बेस्ट चल रहा है, आप लोग डिजर्व करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आप लोगों का आराम से पेपर एनडी का पेपर तो निकल ही जाएगा, कोई भी पेपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि वेरी गुड नॉलेज, क्योंकि मैंने बहुत टफ क्वेश्चन डाले हैं और आप एकदम सही बता रहे हैं इसका मतलब ये, और प्रिपरेशन इज वेरी राइट, आपको कॉन्फिडेंट एकदम है और क्लास से भी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। वीरेन सिंह आंसर डी, बहुतों ने सही आंसर इसका दिया है, डी इज द करेक्ट आंसर, मैंने क्लास से लग रहा है कि काफी लोग सिलेक्ट होने जा रहे हैं क्योंकि एकदम बहुत टफ क्वेश्चन, कहते हैं कि द मोलिथिक टेम्पल्स एट द मसूर आर द अर्लिएस्ट स्पेसिमिक ऑफ नागरा डिजाइन, तो मलेलू मोनोलिथिक टेम्पल जो है मसरूर में है, आपको बताया एक ही पत्थर से काट के बनाया गया, पूरे हिमालय का पहला टेम्पल है जो नागर स्टाइल में बनाया गया। अगर पूछे कि नागर स्टाइल में हिमाचल प्रदेश में पहला टेम्पल कौन बना, आपको याद रखना है मसरूर। कहते बैजनाथ टेम्पल का रिनोवेटेड किसने किया था, राजा संसार चंद, और बहुत ही शिखर टाइप ऑफ टेम्पल है हिमाचल प्रदेश में, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब इससे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन करें, आइए रिवीजन करते हैं। अब कह रहे कि किसी ने पूछा कि बिपिन चंद्रा पढ़े कि स्पेक्ट्रम पढ़े फॉरेस्टी, एचपी स्टडी के लिए आपको कोई किताब नहीं पढ़ना है, आप क्लास के साथ जुड़े रहिए, आपका हिस्ट्री क्लास से जब पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा फिर मैं आपको बताऊंगा क्या रेफरेंस लेना है। अब देखिए बोर्ड पर, अब कहते कि हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम टेंपल जो है तीन स्टाइल में बने हुए, ऐसे चार स्टाइल में बने हुए हैं बाकी तीन स्टाइल बहुत ही लोकप्रिय है। पहला है जो पहला स्टाइल है उसको बोलते हैं पेंटेड रूफ टेंपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल भरमौर में, रूफ के जैसे आप देखिए छत ऐसे होती है रूफ के जैसे, तो पूछे इसका सबसे अच्छा लक्षणा देवी टेम्पल। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि पैरामिड के आकार पर कौन सा टेम्पल बना है, तो देखिए ये पैरामिड के आकार पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जुब्बल वैली में हतेश्वरी देवी का टेम्पल, तो पूछे कि पेंटेड रूफ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल चार ऑप्शन में आपके क्या हो, तो आपने आग बन के लक्षणा देवी टेम्पल भरमौर ऐसे रूफ के जैसे स्ट्रक्चर ऐसे। फिर होता है पैरामिड के आकार सा, आप देखिए पैरामिड के आकार का आप देखिए ऊपर जाके एकदम पतला होते जा रहा है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हतेश्वरी देवी का टेम्पल और शिव टेम्पल है हाटकोटी जुब्बल। फिर पूछे कि पगोडा स्टाइल में टेम्पल कैसे, पगोडा में आप देखेंगे जैसे ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ, ये तो पैरामिड है पगोडा में देखे, तो पूछे पगोडा स्टाइल टेम्पल कहां बना है, तो आपको इसका तीन एरिया मिलेगा, मंडी कुल्लू और शिमला और किन्नौर, इन रीजन में जितने भी टेम्पल बने हैं पगोडा में बने हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल प्रासर टेम्पल मंडी, हिडिंबा टेम्पल मनाली, ये देखिए हिडिंबा टेम्पल, तो बार बार क्वेश्चन आता है कि पगोडा स्टाइल में कौन सा टेम्पल, तो हिडिंबा टेम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये हमने डिस्कस किया टेम्पल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर सेवन, अब हमें क्वेश्चन नंबर सेवन आप लोग ट्राई कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब एक डांसेस पर क्वेश्चन है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहते हैं इन कयांग डांस द मीन एंड ओमेन फॉर्म ए सेमी सर्किल विद द म्यूजिशियन इन द सेंटर्स, कहता है कि इन बकियांग डांस द मोस्टली परफॉर्म बाय द वुमेन और बैंगचू डांस इज जनरली ए मींस डांस फॉर्म, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकॉरेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है, पहला सही है कि पहला दूसरा सही है कि पहला और तीसरा है कि नॉन ऑफ दिस, कोई गलत नहीं है।
बताइए. इन कयान डांस द मीन एंड ओमेन फॉर्म द सेमी सर्किल विद द म्यूजिशियन इन द सेंटर. इन बकयान डांस दिस मोस्टली परफॉर्म बाय द ओमेन. अभी अभी आंसर्स आया. गगन शर्मा वेरी गुड, राकेश कौशिक, संजय कुमार, डी डी सारे बता रहे. और भी ट्राई. सुनील कनक का स्किप. और ये भी ट्राई. और कोई ट्राई कीजिए कि पहला सही है कि पहला दूसरा सही है कि वन एंड थ्री सही है कि नॉन ऑफ दिस. सुदेश कुमार का बी बोल रहे हैं, वन एंड टू सही है, तीसरा गलत है. राजकुमार बोलते हैं नॉट श्योर सर. सुनील कैनत बोल रहे हैं कि सर सी वन एंड थ्री सही है. तो राकेश कौशिक, संजय कुमार, गगन शर्मा ये सारे लोग बता रहे कि इसका आंसर डी होगा. तो डी इसका करेक्ट आंसर है, सारे के सारे सही है. तो कयान डांस में क्या होता है, म्यूजिशियन सेंटर्स में होता है, ध्यान रखना आपने. इन बकयान डांस में मोस्टली परफॉर्म बाय द वुमेन्स के द्वारा होता है. पेपर में ध्यान रखिए कि ये डांस कौन परफॉर्म करता है. और बेगानचूज में ये मेंस डांस होता है. तो नॉन ऑफ दीज आंसर होगा इसका. तो जगदेव सिंह में उन्होंने भी ऑल आई स्कोर डी इज द राइट, नॉन ऑफ दीज होगा, माने कि सारे के सारे करेक्ट है. नेक्स्ट आइए. अब कुछ डांसेस है जो हम लोग रिवीजन करते हैं. अब देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से डांसेस है और उनको मैचिंग में भी आ सकते हैं और उनके ऊपर फैक्चुअल भी पूछ सकते हैं. जैसे आप देखिए रिवीजन के जैसे पूछे कि सी फोल्क डांस, बोले कहां पर किससे रिलेटेड, किस एरिया से, रोरू से रिलेटेड, जुब्बल. पूछे कि झंझियार डांस कहां से रिलेटेड, चंबा से. चोरू डांस कहां से है, महेशु से, शिमला सोलन. किस डांस को वार डांस कहते. कुल्लू से कौन सा डांस जुड़ा हुआ है, उस गाइजीमा. और ये तो बताइए चंबा का सबसे फेमस कुंजू. काथी डांस कहां से जुड़ा हुआ है, कुल्लू से. बुड्ढा डांस कहां से जुड़ा है, सिरमौर से. बाथना डांस मंडी से, मोहना बिलासपुर से. ये सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैंने आपको रिवीजन करा दी कि कभी कल क्वेश्चन भी रिपीट करते. तो सी पूछे तो रोडू से, चंबा से, झंझियारा. छोहरा डांस महेशु से. किस डांस को वार डांस कहते हैं, तो मोहना डांस बिलासपुर से. तो ये सारे आपके रिविजन भी हो गए, रिलेटेड पॉइंट्स. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन आइए, एट आइए. कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द हल्दा फेस्टिवल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफ द दिवाली फॉर द लोकल पीपल ऑफ चंद्रा और भागाबैली. जो हल्दा फेस्टिवल है वो दिवाली के सिमिलर है, एक बराबर है. लोसार हिंदी इज द न्यू ईयर फेस्टिवल इज द लोसार इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ तिब्बतियन सेलिब्रेटेड इन द मिड मार्च. खेपा इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द किन्नौर टू ड्राइव द इवेल अवे फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द पीपुल. कहता है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकॉरेक्ट. इसमें से कौन सा गलत है, पहला गलत है कि दूसरा और तीसरा कि दूसरा कि ऑल ऑफ अबव, पूरा गलत है. इसका राइट आंसर दीजिए. तो पहला गलत है, इनकॉरेक्ट पूछ रहा. पहला गलत है कि दो और तीन गलत है कि दूसरा गलत है कि पूरा गलत है, तीनों स्टेटमेंट गलत है. एनीबडी गिव द राइट आंसर. डिंपल शर्मा
ऑल ऑफ द अबव, सारे गलत है। और एनीबॉडी, और कोई ट्राई करके बताइए कि वन वन गलत है कि दो तीन गलत है कि दो गलत है कि सारे गलत है। समेश्वर शर्मा पहला गलत है, सुनीत कैनेत बोल रहे कि ए गलत है, राकेश कौशिक कह रहे कि ए गलत है, संजय कुमार कह रहे हैं कि टू एंड थ्री गलत है, हिमांशु शर्मा कह रहा है कि पहला गलत है, जगदेव सिंह बोल रहे हैं कि सर बी टू एंड थ्री गलत है, और एनीबडी ट्राई, और कोई ट्राई करके बताइए क्रिप्टो देश बोल रहे कि सी, टू टू गलत है, राजकुमार भी बी कह रहे हैं, तो इसका राइट आंसर टू गलत। तो हल्दा फेस्टिवल जो एक दिवाली के सिमिलर होता है, जो लाहौल चंद्रा और वाघा वैली में, जो लोसार फेस्टिवल होता है मिड मार्च में नहीं सेलिब्रेट किया जाता, नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है, इसका आंसर टू गलत। तो ये दिवाली के सिमिलर है, ये मिड मार्च में नहीं होता, मिड नवंबर में होता। और खेपा जो है किन्नौर में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कि भूत प्रेत को भगाने के लिए, तो इसमें इनकॉरेक्ट करेक्ट आंसर ही सी, सी मिलाइए। तो आपको ध्यान रखना है लोसार तो न्यू ईयर फेस्टिवल आई, बाकी पूछा कि मिड मार्च की मिड नवंबर में होता है, मार्च में नहीं होता, और इनकॉरेक्ट कौन है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आइए, कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन अंडेटा, नोकुलस रोरिच इज द फेमस रशियन पेंटर हु इज ऑल्सो नोन महर्षि, नग्गर आर्ट गैलरी इज ऑल्सो कॉल्ड रोरिच आर्ट गैलरी लोकेटेड इन कुल्लू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। गिव मी द आंसर्स, इसका राइट आंसर्स क्या होंगे, राइट आंसर्स। हिमांशु बोल रहे कि सी होगा, वन एंड थ्री। और एनीबॉडी, ज्ञान शर्मा बोल रहे हैं कि डी ऑल ऑफ दी, सारे सही हैं। संजय कुमार बोल रहे कि सारे सही है, राजकुमार बोल रहे हैं कि, राकेश कौशिक बोल रहे सी वन एंड थ्री, राजकुमार बोल रहे ऑल सही, पूरा सही है, बहुत लोग अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत लोग अच्छा नॉलेज है, दिस इज वेरी हेल्पफुल क्लास फॉर यू, आपका बहुत अच्छा रिवीजन चल रहा है, सुबह सुबह का भी टाइम है, आप हमसे जुड़े रहिए, हर दिन 9:30 आपकी क्लास से स्टार्ट होगी, 9:30 में आपको हर दिन आपको रिविजन कराया जाएगा हिमाचल एचपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, हर दिन आपका बैटरी, इससे बढ़िया आपका क्लास नहीं हो सकता, और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्रिप्टो डेस बोल रहे कि ऑल ऑफ दीस, जगदेव सिंह बोल रहे कि डी,
तो बहुत लोग का आंसर डी आ रहा है, इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। सरदार शोभा सिंह आठ गली का है, एंटेटा कांगड़ा में। और पता है निकोलस रोरिच रशियन पेंटर था जिसको महर्षि कहते हैं। और एक ये जुड़ा हुआ कहां से, नग्गर आर्ट गैलरी से जुड़ा हुआ, नग्गर आर्ट गैलरी से निकोलो रोरिच जुड़ा हुआ जिसको रोरिच आर्ट गैलरी भी कहते हैं कुल्लू में। तो ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 था, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है मैच द लिस्ट 1 और 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर मोरस्टी एंड एसोसिएटेड। त्यूल गोम्पा से कौन जुड़ा हुआ है, तबो मनस्ती से कौन जुड़ा हुआ है, ससुर गोम्पा से और कटबांग से कौन कौन सा ये पर्सनालिटी जुड़ा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन गगन शर्मा ने, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है। निकोलस रोरिच मेड अबाउट 17,000 पेंटिंग ऑफ द हिमालय। कोई बात नहीं, क्लास आपका थी जो सोमेश्वर शर्मा कहते हैं कि सर आई एम लैक इन द आर्ट एंड कल्चर पार्ट, डोंट बी, इवनिंग का क्लास लगाइए, आर्ट एंड कल्चर का बहुत डिटेल में आपको स्टडी कराएंगे, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम डिटेल में आपके अच्छे क्लास होंगे। तो मधुबाला का आंसर डी आया है, गगन शर्मा का भी आंसर डी आया है, राजकुमार का भी डी आंसर आया है। इसका मतलब कि बहुत लोग अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत लोग का एग्जाम क्लियर होगा इस बार लग रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड आंसर्स। मैंने काफी लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, क्लास से जुड़ने का बहुत अच्छा फायदा हो रहा आपको। तो बहुतों ने करेक्ट आंसर बताया, वेरी गुड वेरी गुड। संजय कुमार का भी राइट आंसर, सुनील कैनत का भी डी, एकदम डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे, एक का टू, तैवुल गोम्पा से कौन जुड़ा हुआ है, लामा सरजान रेंचन। तबो से कौन जुड़ा हुआ है, ये सशूर। ससुर गोम्पा से कौन जुड़ा है, देवगस्तो। और करदांग से लंबा नोरबू, करदांग मोनेस्ट्री से लंबा नोरबू के बाद में इसने रिनोवेटेड किया था और इसी ने करदांग मोनेस्ट्री करदांग विलेज में बनाया था। तो ये डी इज द करेक्ट आंसर। तो काफी लोगों ने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया। कल आप